हेलो भाइयों, और अरुण पवार इंट्री आपका हार्दिक स्वागत करता है। ऐसा कुछ रूम, अरे भाई तुम यार, तुम नोब रहे के नोब, गरीब गरीब ही रहोगे सदा। भाई अब देखो, हमारी अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है, सभी भाइयों को बहुत गुड। अबे तो कोई ना देख रहा हो यार, हद है मलूक। कुंडल सिंह ने पहन के भाई अपने आप से आवे ना आयु, चाय पी रहा है। ये व्यू देखो राजस्थान का, यहाँ के खेतों में भाई बीच बीच में देखो कितने सारे पेड़ होते हैं, ट्रीज छाया के लिए होते हैं। काट भी देते हैं इनको, बकरियों को खिला देते हैं, भैंसों को खिला देते हैं। हमारे वहाँ खेतों में हरियाणा साइड आओगे, एक खेत नहीं दिखेगा। और अगर कोई घनाई जिंदगी से दुखी हो तो वो ऐसे झूल भी सकता है। उसने देख लिया अरुण पवार मेरी वीडियो बना रहा था, वो बेचारा चल दिया झूला से उतर के, नहीं फिर से झूलेगा। तो भाई हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, जो मैं आपको रात को स्टोरी बता रहा था ना, आपने अगर पिछली वीडियो देखी हो, ये हमारी इंडोवर खड़ी हुई यहाँ पे। बढ़िया यार, ये जगह कितनी मौके की मार रखी है उसने, बिल्कुल एक सार यार। यहाँ फार्म सो बना देखे, मज़ा सा बैठ जा। अब हमने भाई ब्रेकफास्ट मंगवा लियो अपनो, ब्रेकफास्ट में है हमारे पास सैंडविच, पराठाज एंड सम कॉफ़ी एंड चाय। चलो भाई, ये टीवी तो चल नहीं रहा है तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं भाइयों को। चलो भाई लइए भाई, यहाँ रख दे यार, खाने पानी है ना, यहाँ से आराम से चिल करते भाई। मेरा पिक्सल बहुत अच्छा चल रहा है, ये देखो। जो भाई कह रहे थे, एक कह रहा था कि किस, वो अरुण भाई आपको ठग लिया, उसने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा होगा ये, और उसने किस्त, अब वो किस्त नहीं भरेगा, झट्टी फ़ोन लॉक हो जाएगा। हाँ ऐसा थोड़ी होता होगा यार, स्कीम थोड़ी, मेरे पास तो वीडियो भी है भाई पूरी बराबर कतई। आ जाओ भाई, एट बॉल पूल खेलेंगे, जिस पे आता हो बताओ, मैं बहुत प्रो प्लेयर हूँ एट बॉल पूल गेम में भाई, मैं बहुत तगड़ा खेलता हूँ ये वाला। आ जाओ एड मी, थोड़ी देर गेम खेलते हैं फिर चलते हैं आगे की तरफ। आज हम जाएंगे कहाँ पे? यस तो भाई रेडी शेडी हो गए, अब इस रूम को करते हैं बाय। एक्चुअली कोई तो हमारा वेट कर रहा है बहुत देर से, इसलिए वो जल्दी 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 भागना पड़ रहा है भाई। अभी वो कौन है अभी मैं आपको चल के बताता हूँ, सालर सर से ही हैं। चलो भाई अब होटल से चेकआउट करके फटाफट से चलते हैं। वेली नाइस। तो भाई गाड़ी तो हमारी कुछ ज़्यादा ही गंदी लग रही है, सब गाड़ी चली गई रात को सारा, कुछ तब लोग हमारी तरह नहीं ना 11:30 बजे उठते हैं भाई। चलो इसमें सामान धर के अपनी फटाफट, देखो सब गिरने ऐसे ही होते हैं, गिर गई कुएं में गिर गई थी, फिर जैसे तैसे निकाली हमने। साला सर बालाजी से हैं पंकज पुजारी जी, वो आए हैं भाई हमको लेने के लिए। एक्चुअली ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो इन्होंने मैसेज किया था कि भाई जब आओ साला सर बालाजी तो मुझे बताना, तो हमने इनको बोला तो फटाफट चलते हैं इनके साथ साथ, ये दर्शन करवा देंगे हमको अच्छे से। चलो भाई गाड़ी अपने यहाँ पार्क कर दी है, और यहाँ भाई इतनी गंदी गाड़ी लिया है, इतने गंदे रिएक्शन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलो यहीं पर बिल्कुल हमने पार्क कर दिया है मंदिर, हमारा साला सर मंदिर भाई। मिलिए पंकज पुजारी जी से, सुनाइए। जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी, कैसे हो बालाजी? महाराज की कृपा, आप बताओ। बालाजी ने खैर बुला लिया, पिछली बार तो रास्ता भटक गए थे, और सही मार्ग पे लेके आए हैं बालाजी। इस बार हमने सोच लिया तो जाएंगे ही, कल भी रात ज्यादा हो गई थी, पर आज तो करके ही जाएंगे दर्शन। बालाजी ने बुला लिया, करो आनंद लो दर्शनों में। हाँ जी बिल्कुल। भाई दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली पूर्वक, मजा आ गया।
हम फोटो दोनों को अपने आप को तो दिखाओ। हाँ मतलब सेम ही है। हाँ चलो अब बहुत अच्छे दर्शन हो गए भाई, बहुत अच्छे, एक नंबर। चलो चलते हैं इनके आगे। हटा दूंगे ना और मस्त लगेगा जी। चलो बस भाई बहुत अच्छे दर्शन हो गए, मतलब हमने बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़ी, मतलब बहुत अच्छे से यार, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। ऑल थैंक्स टू पंकज पुजारी जी। अब चलते हैं भाई फटाफट आगे की तरफ, अपने खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी जिनके लिए हम आए थे स्पेशल दर्शन करने के लिए, वो दोनों कंप्लीट डन अपने हो चुके हैं भाई। अब हम पहुंच चुके हैं बालाजी महाराज के पास, बड़ी जो मूर्ति है उनकी। और भाई मुझे गाड़ी देख देख के ऐसे आ रही है, क्या ये बालाजी भी सोच रहे होंगे कि अरुण ये मैंने इतनी गंदी करने की तो लिए नहीं दिलाई थी कि यार इतनी गंदी करके मेरे पास ला, अब हम भी क्या करते भाई। देखना कितनी बुरी हो रही कि यार वहाँ पे ऐसे ऑफ रोडिंग कर ली और फिर कोई हमको सर्विस स्टेशन मिला भी नहीं। अब आपने देखा हम 12 बजे तो यहाँ पहुँचे थे यार, 11:30-12 बजे, लेकिन आप दबा लेंगे कोई। अरे ये भाई अपने लोकल के मिल गए हमको, ये विनोद के मित्र भाई, कोई है सर्विस स्टेशन कोई यार, धुलवा दो गाड़ी कहीं हो है नॉलेज में। अब भाई अच्छे से दर्शन हो गए, अब यहाँ हम सीकर जा रहे हैं, सीकर से फिर अपने घर चले जाएंगे। तो उससे पहले जो हमारे साथ ही विनोद है ये कह रहा है इसका घर यहीं पे है, कोई गांव है, कौन सा गांव तेरा? सावलोदापुर। एक बार चलते हैं भाई के घर पे भी, मिल के आते हैं जरा मम्मी पापा से भाई के। ये रोड देखो भाई, इनके मेन गाँव बड़ा गाँव है इनका, ऐसे हल्का पतला नहीं है। और भाई साहब कैसी रास्ता है यार, ये मेन रोड है ये? नहीं है भाई, हम पहुंच चुके हैं इसके घर, और ऐसी जगह रहता है भाई, देखो ये इसका घर है यहाँ पे, और शांति देखो कितना पीस है, कोई रोड नहीं कुछ नहीं है रास्ता, और एकदम साइलेंस। वाह भाई वाह, देखो कोई पड़ोसी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई परेशान करने के लिए कोई कुछ नहीं है। ये भाई विनोद, ये देख रहे हो विकास का बड़ा भाई विनोद, ठीक है ठीक है, लगा रहा है विनोद ने ये। अच्छा अब तक चल रहे हैं फिर ये? हाँ बढ़िया। देखो भाई का न्यू हो, मैं अभी घर बना ही रहे हैं भाई, ये विनोद के बड़े भाई, सेम टू सेम विनोद 2.0 तो कॉपी है एकदम। तो भाई मिठाई खा ले, मिठाई खा एंजॉय मार। भाई राजस्थान एक्सप्लोर करने आए थे, थोड़ा इनसाइड्स गांव में कैसी लाइफ है राजस्थान की, अच्छी है भाई, पीसफुल जगह है यार, यहाँ तो कोई डेक बजाओ म्यूजिक बजाओ कोई किसी को, चिड़िया की भी आवाज़ आ रही है तो। बिल्कुल भाई एकदम शांत माहौल, रियल रो लाइफ देखनी है विलेज की तो ये है भाई मेन। देखना गेट छोटे छोटे, कोई चोर वोर ना कूद के आ जाता है ना, कोई ना। चलो भाई काफ़ी अच्छा फन हो गया, काफ़ी अच्छी शांति है ना, ज़्यादा गर्मी इधर ना कुछ, सर्दी भी बढ़िया ही पड़ती होगी यहाँ तो। देखो भाई चलो अब चलते हैं यार, अब लेट हो रहे हैं, 3 बज चुके हैं यहीं पे। चलो बढ़िया यार, यहीं इनके यहीं तो घर के आगे ऑफ रोडिंग ट्रैक है, 300 चल दो यार, बढ़िया तरह जुगत्ते धोई हो भाई। अब हमने लगा दी गाड़ी, अब धुवा लेते हैं भाई, ज़्यादा इसको गंदी और चलाते नहीं, यहाँ पे ही इसके गाँव को निकलते ही मेन रोड सा आ जाता है ये हाईवे सा, यहाँ पे मैं सर्विस सेंटर पर कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही है, यहाँ के लोग पता ना कैसे अजीब सी निगाहते देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं दिलानी। अभी भाई हम विनोद भाई के एक दोस्त के घर आए, गाड़ी पार्क देखना है, जर्मन शेपर्ड कतई शेर सा लग रहा है, मतलब बहुत बड़ा है, वीडियो में नहीं नज़र आ रहा आपको लेकिन वश टाइगर नाम है, टाइगर वही टाइगर, ये देखो भाई खाना जाए डर लगे भाई, जर्मन शेपर्ड बढ़िया ब्रीड है यार, पिटबुल तो पिटबुल तो बढ़िया फ्रेंडली भी है और एग्रेसिव भी है, बढ़िया है ऑल इन वन। अरे समझदार ज़्यादा होते हैं आपकी तरह, मेरी तरह तो पिटबुल तो जैसे भैंस है, भैंस को ही खा जाता भाई, इतना डेंजरस है। फ्री हो गए अब थोड़ा यार, 6:30 हो गए हैं, अब जाके थोड़ा लिटिल लिटिल खा लेते हैं, उनको टाइम मिला है फ्री हुए हैं। हमने सोचा भाई प्रॉपर डिनर तो क्या ही करना है यार, डिनर करेंगे तो फिर रात की भूख मर जाएगी, इसलिए थोड़ा ऐसा हल्का फुल्का ही खा लेते हैं, समोसे वमोसे टाइप्स, फिर आगे निकलेंगे। हैं भाई बिल्कुल थक गया यार, आपके मुंह पे थकावट दिख रही है ना, पता ना कैसे अच्छा यार कुछ ना दिख रही थी है ना, अरे वो लग रही है। नॉन स्टॉप ड्राइव फिर से स्टार्ट हो चुकी है, यस चला रहा है, मैं थोड़ा सा लिटिल लिटिल वर्क कर लेता हूँ अपना लैपटॉप पे भाई,
और ये यहाँ बिल्कुल बराबर में लाइन चलती है, 6 घंटे का रास्ता है सालासर बालाजी से। मैं समझ रहा 2.5 घंटे का रास्ता होगा, अब तो 45 मिनट से गाड़ी चला रहा है ना वो खाने के बाद, तो इसलिए कम हो गया भाई। दूर तो पड़ता है पर भाई इतने अच्छे दर्शन। ये VIP था क्या? ये VIP था। अच्छा, VIP की अलग लाइन है, उसमें भी लाइन में लगना पड़ता है? हाँ। कितनी लंबी लाइन रहती है उसकी? छोटी रहती है, आधी आधी घंटे। नहीं वैसे नॉर्मल अगर आदमी रहता है, नॉर्मल तो 5-6 घंटे की लाइन है। भाई देखो हम अपने आप को VIP नहीं बताते, पर अगर हमने कुछ अच्छे कर्म कर रखे हैं और हमको भाई मिल रहे हैं वहाँ के और हमको अच्छा वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो करवा रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने में भी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए भाई। तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि भाई इतना चलो नाम कमाया हमने कि इतने अच्छे भाई हमको मिले और इतने अच्छी तरीके से उन्होंने हमारे दर्शन करवा दिए। बालाजी की कृपा है भाई, बस और तो क्या ही कह सकते हैं। और एक चीज़ है, यहाँ के सारे गाड़ी वाले, घोड़े वाले, ट्रैक्टर वाले सब हाई बीम में चलते हैं, चाहे ट्रक हो चाहे कुछ भी है। कितने डिपर मान लो भाई, यहाँ पे लाइट नीचे ही नहीं करते, पता नहीं क्या चक्कर है। लोकल एरिया बता रहे हम, जयपुर की भाईपुर बड़े शहरों की नहीं पता है, रूरल में चल रहे हैं। हमको कहाँ से लेके जा रहा है ये नीम का थाना से लोकल से रोड, और यहाँ भी टोल बिठा रखे हैं। और भाई गाड़ी ने दिखा दिया लो फ्यूल, 8,000 रुपए के तेल को चूस गई है। ये 200 किलोमीटर भी तो स्टिल पड़ा है, मतलब जयपुर से खाटू श्याम जिसे सालासर, सालासर से घर, देख रहे भाइयों आर यू हैविंग अ लुक, मतलब आपको 10-11 हजार रुपए का तेल चाहिए। वाह घोड़ी वाह, मैं कह रहा हूँ यहाँ के टोल टैक्स देख लो, वाह मतलब गली गली इन पे टोल टैक्स बिछा ले राजस्थान सरकार, जब बढ़िया भाई। भाई ये टोल टैक्स है क्या? कैश और होगा को देखिए, इमरजेंसी लाइन कितनी तगड़ी ये क्या है यार, ये हद है यार। 60 रुपए टोल है भाई, राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान पे स्वागत ना, बेल भाई है एग्जिट है भाई। अब रोड देखियो आगे जाके, मैं अभी जा रोड को, मैं टोल जो देख रहे हो इतनो मलूक रोड है, वाह एक लाइट ना पूरे रोड को ही लाइट। अभी गाय आज आ गई हमारे आगे, बस बचे हैं निट्टी। ऐसे तो रोड है भाई देख लो, इनके 60-60 रुपए इनके टोल यार। मैं क्या बोलूं, ऐसे रोड जैसे हमारे गांव के नहीं है रोड है ना। क्या रास्ता था यार, फिर से टोल, सीरियसली पता नहीं हम कहाँ फंस गए आज यार। 133 किलोमीटर और 3 घंटा, कौन सा रोड है जानियो। इनके ये खत्म ना हो मैं भैया टोल, हम तो इन्हें दुखी है। इतने गंदे गंदे रोड इनके टोल ले रहे हैं यार ये राजस्थान वाले, कमाल है यार कैसे जी रहे हैं राजस्थान वाले। यहाँ भी 60 रुपए ले लिए। हाँ मैं कि रोड की हालत दिखाऊंगा, इतना मलूक रोड है, इतने खड्डे हैं यहाँ पे हमारे। वहाँ अगर ऐसे है को ना मैं देश छोड़ कर चले जाऊँगा। उधर चल राजस्थान है ठीक है, कभी कभार कोई आगे साल में एक हल्ला तो आगे, अगर इतने बुरो हाल रहे हो यार 120 रुपये ही ना रहे का। हाँ भाई 60-120 हो गए जो हमारे वहाँ नियो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे बनो ना यश। हाँ 20 रुपया टोल ले वहाँ ते कनेक्ट करने के, और 50 रुपये वाके जबरी टोल आ रहा। रोड है कोई दिखाने देखने लायक? और यार रोड है देखिए, लाइट ना कुछ ना यार, कोई लाइन नहीं, लेन नहीं, लाइट। हाँ रोड ही देखियो कैसे है यार, ये लो बीम करनो ना जाने, खड्डे इतने आज तो बुरा ही फंस गया गूगल मैप्स के भरोसे, पता ना कब आएगा वो चौड़ा रोड। मैं कब तक देख लो टाइम, 10-12 कब तक चल रहे हैं आप मैंने बताई तो राखी कम, जब तक मैंने हाथ में गाड़ी दे रखी। देखिए इन पर ब्रेकर बनाने को ब्योत ना है कौन किसकी सरकार है भाई यहाँ? कांग्रेस। तुम खुश हो राजस्थान वाले कांग्रेस से? ना भाई ना हो, अगली बार किसे वोट देगा? बीजेपी है। देख रोड खड्डे देखो, ये कोई कोट पुतली वाला रोड इनने है। वो 100 यूनिट तो फ्री कर दी ठीक है राजस्थान सरकार ने तो भाई अपना टोल ने फ्री कर दो। इतने टोल रहे हैं लिमिट में, अच्छे लगे हैं कि जहाँ इनकी जगह होनी चाहिए वहाँ अच्छे लगे करे हैं। ये ऐसे रोड तो बढ़िया था ना, चल टोल ले लो यार, रोड ऐसा होना चाहिए चकाचक कतई। ये रोड है, इनते कोई रोड कहे को? ऐसी गाड़ी में हमें धचकी लग रही है भाई, कोई नॉर्मल गाड़ी में आ जाए ना वही है भाई नॉर्मल गाड़ी में आ जाएगा तो भाई बहुत परेशान हो जाएगा। देख कितना मलूक रोड, देख तो सही, वाओ। राजस्थान गवर्नमेंट एंड रोड अथॉरिटीज रियली अप्रिशिएट यू भाई। इंडेवर में ना घनी देर का 0 किलोमीटर आया है भाई साहब, बहुत देर हो गई है, गाड़ी में तेल खत्म हुए, 0 किलोमीटर दिखा रहा है और ऐसी बात करते करते चले जा रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है आगे, देखना
कोई पेट्रोल पंप आगे है ही नहीं, बस भगवान से दुआ करो हमारी तेल ये ना ले जाए। अरे पागल पागल है गोगा ट्रक वाले, तेरे हॉर्न बजाने लगे हम में वो आगे तो वहां हटा। अरे अब ये नहीं ना कहने लगे वाले भैया, एक्सक्यूज मी फॉर्च्यूनर वाले भैया, आगे ले ले आगे ले आगे ले। यार वो 0 किलोमीटर है भाई, देख लियो यस, तेरे हाथ में पंजो भाई, चल चल भाई अपना पंजा। आते ही कितने पेट्रोल पंप आमने सामने आमने सामने, ये देखो आगे तक डंडे, क्योंकि अब हरियाणा आ गया, हरियाणा में सस्ता रहता है और ये सरकारी है। अच्छा सरकारी है, इस पे भरवाते हैं भाई अपना डीजल फुल, हरियाणा में सस्ता है राजस्थान से 9-10 रुपए शायद से, पेट्रोल ना है डीजल है, डीजल है डीजल, चल चल है। अच्छा 89 महंगा, 96 पेट्रोल महंगा, यहाँ क्या फायदा हुआ, टंकी फुल करवा लू। देख आज कितना खुला है ना, कितने खुले हुए है टंकी भाई, हमारी गाड़ी कतई टैंकर है भाई, ऐसा पी भाई ऑफ करके जो तेल है, मतलब इतनी गंदी माइलेज दे भाई, पर वो है 3200 cc को इंजन की है भाई। अब देखिए भाई नाना कर नाना करे, डरपा क्यों रहे हो, देखिए नाना करते भी भाई 7-8 हजार रुपए को तेल आ जाए, बताओ एमटी पे ही कटे मतलब। हाँ ठीक है 7 हजार रुपए कट लग जाए, मतलब ऑटो कट 7 हजार रुपए ठीक है, चलो यार 7000 में 500 किलोमीटर चल जाएगी, और क्या चाहिए। अब जरा देखते हैं हमने कितनी ट्रिप, मैं दिखाता हूँ आपको, एक टंकी में 703 किलोमीटर अगर यू चल रही है भाई साहब, तो कोई घाटा ना है। हाँ भाई इतने हिसाब से अगर देखे बढ़िया माइलेज है, 10 की दे रही है देख, ऑटोमेटिक में एनबी तो इतने की था भाई साहब, आई एम मच मोर सेटिस्फाइड देन दिस, मजा बैठ गया भाई, हमने 703 किलोमीटर चला दी गाड़ी। और अब देखो मैं रेंज कितनी दिखा रही है, जो रेंज ना गलत दिखा हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ देख लो 741 किलोमीटर की दिखा रही है अभी रेंज। भाई वो ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, हमने बहुत प्यार चलाई, अब बढ़िया यस अब मजा आ गया भाई, लोकल के लिए नहीं है, हाईवे पे अच्छी माइलेज देती है, लाइक करें। गाड़ी की भूख मिटा दी, लेकिन हमें भी तो चाहिए, खाने का 12 बज गए हैं, टिक्की विक्की सी खाई वे पचली अपने अपने, अब कुछ ढंग को खा ले रोटी टोक। बिल्कुल ऐसे फील आ रही है संदीप के ब्याह में आ गया दोबारा से क्या है भाई ये, अरे ढाबोई है कहा रो गए ब्याह है ढाबोई ना पारो, अरे अभी तो कोई पार्टी वार्टी है कुछ और है भाई, उस होटल से हम आ गए ऐसे ही, हमको मिला ही नहीं था वो, तो अब हम नेक्स्ट इस पे आ गए, यहाँ पे और बढ़िया हमको एक्सपीरियंस मिल गया, देखो ऐसे बैठ के खाओ आराम से मोडाओ पे, बढ़िया है तुरंत मेन्यू आ गया, क्या सर्विस है जबरदस्त, बढ़िया से कुछ ऑर्डर कर देते हैं। श्याम रसोई पे रुक गए भाई, हमारा खाना मिक्स वेज, मिक्स वेज है मटर पनीर है, ये मिक्स वेज है, अच्छा नहीं मटर पनीर है ये, मटर पनीर में ग्रेवी तो है ही ना, देखिए उठा के थोड़ा चम्मच लगा के देखिए उसमें, अच्छा पता ही ना है कौन सी है कौन, वो बना रहा था ना मैं तो बाहर खड़ा होता हूं, मैं कोई बात नहीं भाई मजा आएगा जो भी है, अरे आप जो बोले वही चीज है, इसमें मिक्स वेज भी मटर होता है ना, चल ठीक है भाई ठीक है, शॉर्टकट लेता हूँ अपने काम में जाने के लिए इस रोड से, ये एमपी से उतरते मतलब ये मेन रोड नहीं है, और यहाँ पे मुझे इतना डर लगे, रात के 2 बज रहे हैं देखो, इन्हें ना डरा रहा हूँ मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, डर भी ना रहे तो, अरे भाई यहाँ पे यार कोई आग सिंगल रोड है, कोई आग खड़ो है जा, एक बात बताऊँ कील वील, अरे भाई कील वील डाल दे कुछ ना कर पाए वो आदमी, और चलो गांव बस आ ही लिया भाई, 1.3 किलोमीटर बचो आप दे, फिर मैं खींच लाया आ गए थे गाड़ी है भाई, पहुंच लिए घर पे, और हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही थी, हमें तो रास्ता में इतनी कुछ खास पाई ना, ये देख फोड़ कितना मस्त लग रहा है, अब भाई टाइम देखो आप, टाइम हो गया 2:13, चलिए अब चल के अपना सोते हैं, विनोद अपना जाएगा फार्म पे, और ले भाई डरियो मत ना रास्ते में, ये भाई क्या बात है लड़का बलवान, आराम टहल के आते, जय श्री बालाजी की भाई, जय श्री